सो ब्राह्मणवाद जिहड़ा वह भी हुण भगत रविदास जी के खिलाफ है तो स्टेट भी खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि दोहे ही इस गल तो दुखी ने कि आत्मिक रूप दे विच जिथे भगत रविदास लोकां दे विच जन चेतना पैदा कर रहा है वह जिहड़ी जन चेतना स्टेट के वास्ते भी खतरा है। और जिहड़ी दूसरी सब तो वड्डी गल है कि उन्हां समयां दे विच दलित जिहड़ा सी वह धर्म की दीख्या जां गुरु दीख्या नहीं सी लै सकदा। रामानंद ने कुछ दलित भगतां नूं दित्ती है धर्म की दीख्या, कबीर साहब, भगत रविदास जी, धन्ना भगत जी। क्यों दित्ती है? कि उस समय भी एक लोड़ सी, जिन्ना धर्म परिवर्तन हो रहा सी उहदे वास्ते लोड़ सी कि किसी तरह के नाल इस्लाम के इस दायरे चों बचिया जा सके। पर एक गल होर हो जाती है कि ब्राह्मण समाज जिहड़ा वह इस गल तो खफा है कि दलित लोगों को धर्म की दीख्या क्यों दी जा रही है। इस करके ब्राह्मण भी रविदास जी के खिलाफ है तो स्टेट भी खिलाफ है। जदों तक ये दोवें वख वख ने बनारस के जदों तक ये दोवें वख ने उदों तक रविदास का नुकसान करन दी या उन्हां नूं दबाउण की कोशिश तो ब्राह्मण करता है पर कामयाब नहीं हुंदा। पर जदों ये दोवें इकट्ठे हुंदे ने तो फिर तो तुसीं वेख्या ही है, सारे सिख इतिहास में वेख लो, वजीर खान के नाल जदों सुचानंद खड़ा है, जदों जहांगीर के नाल चंदू खड़ा हुंदा है, जिस वेले गुरु अर्जन साहब की शहादत की गल हुंदी है, या फिर बंदा सिंह बहादुर की शहादत के समय जदों फरकसियर के नाल रतन चंद खड़ा है, तो जदों स्टेट ते विप्रवादी विचारधारा जदों ये दोवें इकट्ठिया हुंदिया ने फिर जिहड़ा है इन्हां नूं अपने कार्ज करन दे विच किसी भी हद तक जाना पवे तो ये करते हैं। हुण रविदास जी उन्हां दे सामने एक समस्या तो ब्राह्मणवाद वल्लों विरोधता है, दूजी हुण स्टेट दे वल्लों भी शुरू हो गई। स्टेट दे वल्लों उस वेले शुरू होई जदों रविदास जी धर्म का प्रचार करते करते राजपुताने के इलाके चित्तौड़गढ़ दे विच गए। चित्तौड़गढ़ दे उस समय दे अक्सर जदों तुसीं इतिहास पढ़ोगे ना उहदे च आउंदा कि झाला बाई जिहड़ी सी उह रविदास जी की चेली बनी। दरअसल झाला बाई किसी का नाम नहीं, झाला एक उत्थों की डायनेस्टी सी, एक राजां दा परिवार सी। ते उस जिहड़ा उस वेले दा चित्तौड़गढ़ दा राजा उस दीआं 11 राणियां दे विच्चों दो राणियां झाला परिवार दे विच्चों सी, उहनां चों इक दा नाम जिहड़ा सीगा उह रतन कुमार सी। जिहड़ी रतन कुमार सी इह राणा सांगा दी मां सी और इस करके इसनूं झाला बाई कहा जांदा है कि उह झाला परिवार दे विच्चों सी, उसनूं झाला बाई कहा जांदा है। भगत रविदास जी की जदों चेतनता की सांझ पई है उन्हां दे नाल तां इस परिवार ने भगत रविदास जी की विचारधारा नूं स्वीकारिया है। पर सब तो वड्डा हिंदू समाज नूं खतरा उस वेले लगा जदों मीरा कृष्ण भगती नूं छड्ड के भगत रविदास की उपाशक बन जाती है। भावें कि मैक्स आर्थर मैकालफ कहिंदा है कि मीरा जिस वेले भगती च आउंदी है उदों तक रविदास जी अकाल चलाणा कर चुके सी। ये एक खोज पत्र ये गल कहिंदा है, पर 17-18 किताबां ते खोज पत्र ये कहिंदे ने कि उन्हां दी आयु ज़्यादा होण करके मीरा बाई जिस वेले कृष्ण भगती तो निराकार भगती दे विच आई है रविदास जी की विचारधारा दे सदका उस वेले रविदास जी जिउंदे सन। हुण मीरा दे जीवन दे बारे थोड़ी सोच करनी बहुत जरूरी है। मीरा दी मां 2 साल दी सी मीरा जदों उसकी मौत हो गई, उसके दादे ने उसका पालन पोषण किया। जदों उसका विआह किया गया तो कुछ इतिहासक स्रोतों के मुताबिक राणा सांगा के बेटे दे नाल, ते कुछ स्रोतों के मुताबिक उसके भतीजे दे नाल जिसका नाम भोजराज सिंह सी उसके नाल उसका विआह किया गया। विआह के 9 साल बाद भोजराज की मौत हुई, उस तो बाद मीरा दे दादा की मौत हुई, दादे की मौत तो बाद 1527 दे विच बाबर नाल लड़दा होया उसका पिता मारिया गया, तो उस तो बाद उसका सहुरा जिहड़ा सी सहुरा जां चाचा सहुरा जिसनों राणा सांगा कहा जाता राणा सिंह राम सिंह वह मीरा दे नाल बड़ा प्यार करता सी, समंता ने जहर दे के उसनों कतल कर दिता। सो बड़े थोड़े समय दे विच पहला जतीम सी मां नहीं सी, पति की मौत, पिता की मौत, दादे की मौत और दादे सहुरे की मौत, ये जिहड़ियां सारियां घटनाक्रम बहुत नेड़े नेड़े वापरिया उसने उस अंदर वैराग नूं पैदा किया। कुदरतन हुंदा है
कि जो परिवार के इवें दिन समस्यावान वापर दिया ने तो साढ़े को परमात्मा के नाम तो बिना होर कोई आसरा ज टिकाणा नहीं रह जाता। सो मीरा बाई जी आरंभ के कृष्ण की भगती तो बल प्रभावित हुई क्योंकि उसका जोड़ा दादा से वह कृष्ण भगती वाल बड़ा प्रभावित सी। आरंभ के कृष्ण वाली भगती वाले पासे गई पर जिस वेले उसनू किसी ने यह कहा कि जिन्ना चिर तू गुरु धारण नहीं करती किसी को गुरु देखा नहीं लेंदी तेरी भगती प्रवान नहीं तो एक समस्या है कि तुलसीदास कह रहा है कि नारू नारी नू गुरु दीक्षा नहीं दिती जा सकती। इत्थे ब्राह्मणवाद फिर एक रस्ते च खड़ा है ते गुरु दीक्षा वह दे सकता जिसने किसी को गुरु दीक्षा ली हो। उस वेले मीरा बाई संपर्क च आउंदी है भगत रविदास जी दे क्योंकि इन्हां दे रामानंद दे कोलों गुरु दीक्षा ली है उस वेले दी परंपरा दे मुताबक। ये इतिहासक पक्ष ने उन्हां दे जीवन दे। वैसे जेकर असी रूहानीयत का पक्ष वेखीए तो भगत रविदास जी जिहड़े ने निराकार के उपाशक ने वो परमात्मा नू हर दे रूप दे विच जदों वो साडे सामने संकल्प पेश करते हैं तो वह परमात्मा नू बिल्कुल उस रूप च प्रगट करते हैं जिस तरह असी मूल मंत्र दे विच पढ़ते हैं कि अकाल मूर्त है अजूनी है सुत्ते सिद्ध अपने आप तो प्रकाशमान है काल तो रहते। यह सारिया गल उन्हां दी बाणी दे विच आउंदी है। पर मीरा बाई है उहदी समस्या यह है कि नारी होण करके वह दीख्या प्राप्त नहीं कर सकती तो ब्राह्मणवाद कहिंदा है कि जिन्ना चिर गुरु दीख्या नहीं ला जा ना ली जाए उन्ना चिर भगती प्रवान नहीं। सो किसी तरह के नाल भगत रविदास जी का मिलाप हुंदा है तो वह गुरु दीख्या उसनू दे दिंदे ने। हुण ब्राह्मणवाद के सामने ये सब तो वड्डी मुसीबत सी जां मुश्किल सी। एक तो नारी ने गुरु दीख्या लै ली एक ब्राह्मण परिवार की दोहों ने गुरु दीख्या लै ली और गुरु दीख्या लई भी उसके कोलों जिसनू अछूत कह के समाज भंडिया जा रहा सी। ये सब तो वड्डी समस्या एक सब तो वड्डा चैलेंज सी और मैं सोचदा कि इस चैलेंज नू जिथे ब्राह्मणवाद नू उत्तेजित किया उन्होंने खिलाफ उत्थे भगत रविदास जी का भी किन्ना हौसला होगा कि उन्होंने भी पता सी कि जो मैं एक राज परिवार की नौं नू गुरु दीख्या दूंगा जिहड़े अपने आप नू उच्च जाति के राणे समझते हैं राजपूत समझते हैं तो कुदरतन मेरे खिलाफ दोहें ही ताकत जिहड़ियां उत्तेजित होणगियां ब्राह्मण समाज भी और राज दरबार भी। सो उन्हां दे विच हौसला जुरत किन्ना ज़्यादा होगा। और जिस वेले मीरा बाई भगत रविदास जी के संपर्क च आई उस दे जीवन के अंतले समय के जिहड़े कुछ दोहे सानू मिलते ने उन्हां दे च बड़ा स्पष्ट कर दी है कि रहदास की चेली बनने तो बाद मेरा जीवन जिहड़ा वह बदल गया। अपने दोहयां दे विचों शब्द रहदास वरती है इस करके जिन्ने भी ब्राह्मणवादी लिखारी ने वह कहिंदे ने कि यह तो रविदास सी पर मीरा जिहड़ी रहदास शब्द कृष्ण दे वास्ते वरत रही है। पर इंज नहीं भगत रविदास जी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच खुद भी अपने आप नूं किते रहदास भी लिखते हैं रारे नूं दलावां देना रहदास ये शब्द वरते ने। और जेकर तुसी उन्हां दे जीवन दे बारे वख-वख स्रोतां दा अध्ययन करो तो भगत रविदास जी दे सानूं प्रचलित 12 नाम मिलते हैं रविदास रहदास रूहीदास रूईदास रामदास रमादास रामादास ते रविदास 12 नाम सानूं वख-वख स्रोतां च मिलते हैं। इस करके उन्हां दे इस नाम तो प्रचलित होण करके कई बार भगत रविदास जी नूं मनण वालियां नूं रमदासी भी कहा जाता है क्योंकि कुछ स्रोतों के नाम रमदास भी मिलता है रामदास। सो मीरा बाई का भगत रविदास जी की विचारधारा ग्रहण करना उस वेले ब्राह्मणवाद के सामने सब तो वड्डी समस्या है। एक उच्च जाति की नहों दूजा दलित गुरु नू गुरु धारण करके दीख्या ली है। अपने जीवन के अंतम समय भगत रविदास जी चितौड़ के इलाके दे विच ही रहे और उस समय जदों भी वह सत्संग करते लोगों के अपने वचना प्रवाहित करते तो मीरा बाई अक्सर सुन वास्ते आउंदी सी। उस दे सहुरे की और उसके पति की मौत तो बाद उसका देवर जिहड़ा सी वह राजगद्दी का अधिकारी बनया। उसनू सामंता ने समंत राजपुताने दे विच फौजदार कहे जा सकते ने जिहड़े छोटिया छोटिया रियासतां दे मुखी हुंदे सी पर वह एक खास राजे दे वफादार हुंदे सी यूनाइटेड स्टेट का कंसैप्ट जिस तरह असीं कह सकते हैं। समंत छे तरह के होंदे सी समंत मुखिया समंत साम्या समंत शत्रु समंत छे किस्मां समंतां दीआं सीगीआं। ये जिहड़े समंत सीगे ये फौज के मालक भी होंदे सी फौजदार भी होंदे सी ते राज दरबार दे विच इन्हां दी दखल अंदाजी भी बड़ी होंदी सी ते जिहड़े समंत ने इन्हां दे सलाहकार ब्राह्मण होंदे सी।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੰਤਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।